हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 तक हमने रिकॉर्ड कर दिया है और आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को खत्म कर देंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले दिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। आज बारी है FW टेलर के प्रिंसिपल को पढ़ने की। तो आइए, एक कॉपी आप मेंटेन कीजिए और उस कॉपी में नोट्स बनाइए। शुरू करते हैं आज का क्लास फाइनली, और आज हम लोग पढ़ेंगे FW टेलर के प्रिंसिपल के बारे में। ओके, तो देखिए मैंने कुछ लिख के भी रखा है और कुछ लिखवाऊंगा भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। FW टेलर, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज ही प्रूव्ड विद हिज प्रैक्टिकल थियरी दैट ए साइंटिफिक मेथड्स कैन बी इंप्लीमेंटेड टू ए मैनेजमेंट। यानी कि इनके हिसाब से ये बोले हैं कि मैनेजमेंट में साइंटिफिक मेथड्स लगा सकते हैं, ये इन्होंने प्रूव किया है। In 1909, Taylor's published the Principle of Scientific Management. यानी कि 1909 में इन्होंने Principle of Scientific Management का publish किया. Okay? इसके बाद, the four principles of management are as follows. इनके द्वारा लिखित चार principles क्या क्या है? Science not the rule of thumb. इसके बाद harmony not discord. इसके बाद मेंटल रेवोल्यूशन कोऑपरेशन। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है इनके दिए हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में है क्या, किस चीज का एनालिसिस साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं। अब आइए टॉपिक लिखिए एलिमेंट्स। इतना आप लोग लिख लिए होंगे पॉज करके, मैं यही उम्मीद करता हूं। आइए अब आगे लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या रहते हैं और किस किस चीजों का एनालिसिस होता है। सबसे पहले लिखिए देयर आर सिक्स एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट formulated by Taylor। ठीक है, सबसे पहले work study। सेकेंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये नोट्स बनाइए क्योंकि यही नोट्स आपका काम आएगा। यस दोस्तों, थ्री पॉइंट में लिखिए साइंटिफिक सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, डी पॉइंट में लिखिए डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। ओके, ई पॉइंट में लिखिए इंट्रोड्यूसिंग कॉस्टिंग सिस्टम।
एफ पॉइंट में लिखिएगा मेंटल सिस्टम, ठीक है, मेंटल सिस्टम, ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो साइंटिफिक मतलब कि मैनेजमेंट में छह एलिमेंट्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट में छह एलिमेंट्स हैं जिसको मतलब कि टेलर ने फॉर्मुलेट किया है। सबसे पहले तो वर्क स्टडी, इसके बाद ये टूल्स एंड इक्विपमेंट का मतलब कि स्टैंडर्डाइजेशन, इसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग के बारे में दिया हुआ है कि कैसे करके साइंटिफिकली हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एक वर्कर को, कैसे करके प्लेसमेंट दिला सकते हैं, कैसे करके ट्रेनिंग दिला सकते हैं, सब चीज के बारे में एकदम डिटेल्ड वे में इन्होंने लिखा है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, कि मतलब कि फोरमैन को यहां पे डेवलप कैसे करना है, वर्कर लोगों को डेवलप कैसे करना है, इसके बारे में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में लिखा हुआ है। कॉस्टिंग सिस्टम, इंड्यूसिंग कॉस्टिंग सिस्टम, यानी कि कॉस्टिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, किस तरह से आप लोग अपना कॉस्ट निकालेंगे, और मेंटल सिस्टम के बारे में भी दिया हुआ है। तो यहां पे छह छह एलिमेंट्स दिए हुए हैं टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, प्लीज फटाफट इसको लिखिए क्योंकि ये एग्जाम में आने की संभावना है। इतना अगर हो गया है तो चलिए आइए लिखिए मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेडिंग दीजिए मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, लिखिए फर्स्ट ये लिखिए इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाता है बहुत कम टाइम में, इन मिनिमम टाइम, ठीक है। बी लिखिए इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सी पॉइंट में लिखिए रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रिडक्शन भी होता है अगर आप साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करेंगे ना, तो मतलब कि खर्चा जो होने वाला है वो कम लगेगा आपका, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि खर्चा जो लगने वाला है वो कम लगेगा आपका, ठीक है। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी आपका बहुत बढ़ेगा इससे, इससे आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हैं तो आपका वर्कर्स का एफिशिएंसी भी बढ़ सकता है। ये पॉइंट लिखिए बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस और डेवलपमेंट का आप बहुत बढ़िया से यूज कर पाइएगा, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, एफ अवॉइड लेबर एंड मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स, अवॉइड लेबर एंड मैनेजमेंट डिस्प्यूट, मतलब कि लेबर और मैनेजमेंट के साथ झगड़ा कभी नहीं होगा। ओके, जी पॉइंट में लिखिए गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन, ओके, आइए इसको समझते हैं। मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, यानी कि बहुत कम टाइम में आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मतलब कि क्वालिटी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसके बाद
रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मतलब कि प्रोडक्शन, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो खर्चा है, खर्चा भी आपका बहुत ज्यादा कम होने लगेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर आप अपनाओगे तो खर्चा भी आपका कम होने लगेगा। इसके बाद है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, आपका एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ई पॉइंट, बेस्ट यूजर्स ऑफ रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप अपने रिसोर्सेस का बहुत अच्छे से यूज करोगे और डेवलपमेंट भी करोगे। एफ, अवॉइड लेबर एंड मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स, यानी कि मैनेजमेंट और लेबर के डिस्प्यूट्स को कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जी पॉइंट, गुड वर्किंग कंडीशन, यानी कि वर्किंग कंडीशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे जिसपे आप काम करोगे। ओके, आइए अभी मेरिट्स तो पढ़ लिए, अभी हम लोग डीमेरिट्स पढ़ते हैं। आइए देखिए डीमेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डीमेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला, रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा लगेगा साइंटिफिक मैनेजमेंट के अप्रोच को फॉलो करने के लिए। आपका बहुत ज्यादा कैपिटल यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा। सेकंड डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग। अब थर्ड डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर टीम, अवॉइड बार्गेनिंग, ठीक है। फिफ्थ, मैनेजमेंट टेक्स कंट्रोल। ये सबसे पहला डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। सेकेंड, ये टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्रोच को फॉलो करने के लिए। थर्ड, नॉट मतलब कि सुटेबल फॉर टीम्स, यानी कि टीम्स के लिए एकदम सुटेबल नहीं है ये। अवॉइड बार्गेनिंग, यहां पे आप लोग नहीं कर पाइएगा। और मैनेजमेंट टेक्स कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट के पास रहता है। तो यही सब है डीमेरिट्स। ओके, आइए अभी हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम लोग अभी जानेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। आइए टॉपिक दीजिए, लिखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, एथिकल डिसीजन मेकिंग, लिखिए एथिकल डिसीजन मेकिंग। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं। आइए, मैनेजमेंट शुड make ethical choices that consider the impact on stakeholder society and the environment. Okay, second point, likhiye environmental environmental sustainability in
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ओके इसमें लिखिए इंप्लीमेंटिंग प्रैक्टिस that reduce the organization's ecological footprint, promoting eco-friendly initiatives and adhering to environmental regulations ठीक है तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज द सेकेंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ओके थर्ड पहले लिख लीजिए इसके बाद समझाते हैं सब कुछ थर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थर्ड पॉइंट इज ensuring transparent and accountable corporate practice maintaining integrity in financial reporting and protecting the interest of shareholder ठीक है नेक्स्ट हो गया ये वाला पॉज करके लिखिए अगर आपका नहीं हुआ तो आइए लिखते हैं फोर्थ पॉइंट में लिखिए कम्युनिटी इंगेजमेंट लिखिए अब मैं डिक्टेट करूंगा लिखिए इसके अंदर पॉइंट लिखिए ये कम्युनिटी एंगेजमेंट का बोलना शुरू कर रहा हूं लिखिए इन्वेस्टिंग इन लोकल कम्युनिटीज इसके अंदर ही लिखना है ओके ये मतलब कि ये सब पॉइंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट का लिखिए इन्वेस्टमेंट इन लोकल कम्युनिटी टू सोशल इनिशिएटिव एंड सपोर्ट through social initiative and support for community development project
फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन सोशल मतलब की कम्युनिटीज थ्रू सोशल इनिशिएटिव एंड सपोर्ट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, अब आइए फिफ्थ लिखिए एम्प्लॉईज वेलफेयर, एम्प्लॉईज वेलफेयर इसमें लिखिए कि प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस कॉमा ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ कॉमा फोस्टरिंग ए पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर। आ जाओ सिक्स पॉइंट लिखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, देखिए इंश्योरिंग इट्स सेफ्टी, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोडक्ट, एंड एड्रेसिंग कंज्यूमर्स कंसर्न रिस्पॉन्सिबली। वापस से बोल रहा हूं, इंश्योरिंग इज सेफ्टी इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेस एंड एड्रेसिंग कंज्यूमर्स कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके, सेवन पॉइंट लिखिए, सात पॉइंट मैं लिखवा दे रहा हूं। ओके, सेवन पॉइंट लिखिए, ह्यूमन राइट्स लिखिए इसके अंदर, लिखिए अभी respecting and upholding human rights both within the organizations and throughout the supply chain, ठीक है, वापस से एक बार बोल रहा हूं, respecting and upholding human rights both within the organizations and throughout the supply chain। लिख लिए हो गए आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब इसको समझते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एथिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि हर डिसीजन आपको सही लेना पड़ेगा, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट शुड बी एथिकल चॉइसेस दैट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ ए स्टेक होल्डर सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। हर चीज आप एकदम सही डिसीजन लेंगे तभी काम चलेगा। सेकेंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना है। अगर इन्वायरमेंट का हम लोग अगर ध्यान देंगे, इकोलॉजिकल या तो फुटप्रिंट चीजों का, इको फ्रेंडली चीजों का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट हमें बिजनेस करने की वो प्रावधान देगी, आराम से हम लोग सालों साल तक बिजनेस कर सकते हैं, है ना। इसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, यानी कि अकाउंटिंग वगैरह एकदम सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हिसाब में कुछ यहां पे फ्रॉड नहीं होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंसी आप लोग मेंटेन करेंगे तभी आप लोग ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये कम्युनिटी इंगेजमेंट मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग इन लोकल कम्युनिटीज थ्रू
सोशल इनिशिएटिव एंड सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि लोकल मतलब कि लोकल कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना है, लोकल लोकल जगह को भी सपोर्ट करना है ना, और सोशल वेलफेयर भी करना है, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि बिजनेस एक सोसाइटी की देन है। हम लोग जो रिसोर्सेस लेके जाते हैं सोसाइटी से ही रिसोर्सेस लेके जाते हैं, और हमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को एक रिटर्न देना सोशल वेलफेयर करके। ओके, इसके बाद एम्प्लॉय वेलफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एम्प्लॉयज का ही आप वेलफेयर कीजिए, ये प्रोवाइडिंग फेयर वेजेस, यानी कि हमेशा अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस दीजिए, हमेशा एक सेफ वर्किंग एनवायरमेंट में उनको काम करवाइए, एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो काम करते करते ही अपने ग्रोथ को तय कर सके, एक मतलब कि प्रोफेशनल ग्रोथ ले सके वो लोग, ठीक है। अच्छे से अच्छा वर्क प्लेस दीजिए जिससे वो आराम से अच्छे वे में वो काम कर पाए। ओके, एम्प्लॉयज वेलफेयर समझा दिए। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या होता है, इंश्योरिंग द सेफ्टी, यानी कि कंज्यूमर का सेफ्टी पे ध्यान दीजिए, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट एकदम सेम हो, सेफ हो, और क्वालिटी मेंटेन कीजिए, और एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, उसमें ये नहीं कि मिलावट है, मिलावट वगैरह कुछ मत मतलब कीजिए, और एकदम क्वालिटी मेंटेन कीजिए, क्वांटिटी मेंटेन कीजिए, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए। ओके, इसके बाद ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्टिंग एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स बोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू आउट द सप्लाई चेन, यानी कि ह्यूमन राइट्स को भी आपको रिस्पेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है। तो यही है पूरा का पूरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लिखिए, सिग्निफिकेंस मेरे साथ। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है, सिग्निफिकेंस करके हम लोग समाप्त कर देंगे चैप्टर को। देखिए, द सिग्निफिकेंस, द सिग्निफिकेंस लाइज इन बिल्डिंग ट्रस्ट, फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म, फोस्टरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कंट्रीब्यूटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली, कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू द कम्युनिटी, टू द कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड, एट लार्ज एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, दिस ओनली दिस नॉट ओनली दिस नॉट ओनली ethical principles ethical principle but also enhances the company's reputation, the company's reputation, attracting customers and talented employees
एंड टैलेंटेड एम्प्लॉइज हु वैल्यू सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस, हु वैल्यू सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस। तो सिग्निफिकेंस देख लीजिए जरा, सिग्निफिकेंस क्या है? द सिग्निफिकेंस लाइज इन बिल्डिंग ट्रस्ट, बूस्टरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि हमेशा हम लोग को ये मतलब कि ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए, बूस्टरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, किस तरह से हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं एक मार्केट में, किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली टू द कम्युनिटी, ये देखना चाहिए, एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, किस तरह से हम लोग एकदम अच्छे से अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं वर्ल्ड एट लार्ज के सामने। दिस इज नॉट ओनली एथिकल प्रिंसिपल बट ऑल्सो इनहेंसेस द कंपनीज रेपुटेशन। इससे क्या होता है कि कंपनी का रेपुटेशन बढ़ता है। इससे इसको सिर्फ एथिकल प्रिंसिपल हम लोग नहीं बोल सकते, ये सब काम करने से कंपनी की इज्जत बढ़ती है, कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं और कंपनी मतलब कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज को हायर कर पाते हैं, हु वैल्यू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस, यही इसका सिग्निफिकेंस कहता है। फटाफट से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और ये चैप्टर हो गया हमारा समाप्त। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर डील करेंगे, ओके? तो आशा करता हूं ये वीडियो, ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री क्लासेस में ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।